आज का प्रेस वार्ता फिर यहाँ आना पड़ा, एक बहुत सा जरूरी काम के लिए हम लोग यहाँ आया। कल आपका प्रेस क्लब का दौरा से हमारा जो एक्सपेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने एक प्रेस वार्ता में बहुत सा आरोप लगाया सिटिंग MLA पर। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पार्टी है जहां हमारा एक प्रक्रिया रहता है, किसी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाना, नियुक्त करना, किसी को कोई एक पदाधिकारी में रहना, एक प्रक्रिया रहता है। तो इन प्रक्रिया को रखते हुए हमारा माननीय स्टेट प्रेसिडेंट बीरा मुंगे जी ने दिसंबर को सारा केरादारी कुरुक में और कामले डिस्ट्रिक्ट में एक टूर किया था। इस टूर में ये एक सिद्धांत लिया, जहाँ भी कमजोरी महसूस हुआ उस पर हम लोग का एक कार्यकर्ता का ये रिशफल प्रोसेस शुरू किया। इस रिशफल में ये तय किया गया था कि जो मोरी खोकम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव में लिया जाएगा और उसका बदल ये तापू काहा को करादादी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। उसके रखते हुए भी आपके ये प्रेसिडेंट ने फिर एक डी फैक्टो पावर अप्लाई करके अपना मन मर्जी से पार्टी ऑर्गेनाइज शुरू किया, इसलिए पार्टी ने उसको एक्सपेल किया गया 28 फरवरी 2024। जो एक्सपेल करने वाले प्रेसिडेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, अभी फिर एक पावर को इलीगली ग्रेड करके फिर ऑनरेबल MLA को भी 18 पलेन का जो ऑनरेबल MLA बालू राजा को एक्सपेल करता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कोई भी मंडल प्रेसिडेंट, कोई भी स्टेट ऑफिस बेयरर एक MLA को इसी तरह का एक्सपेल नहीं किया जा सकता है, हमारा संविधान ये बोलता है। अगर करना भी है, स्टेट डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी है, नेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी को हम रिकमेंडेशन किया जाता है, नेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी ही उसको एक्सपेल MLA को MP को एक्सपेल करने के लिए तय करता है। जो खोकम साहब ने जो कार्रवाई किया है सारा ये गलत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इलीगल है, और इसलिए स्टेट भारतीय जनता पार्टी उसको करी से करी कंडेम करता है और ये होने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए उनने बहुत सा चीज़ बोला है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी लेके बिना सिटिंग MLA के परमिशन में सलाह मशाक नहीं करके और लोकल जैसे स्टेट ऑफिस भी है, स्टेट प्रेसिडेंट को भी डिस्कशन करना चाहिए, कंसर्न लेना चाहिए। इसी तरह का पार्टी को एक दो हिस्सों में बांटने का ये हमारा BJP में ऐसा होता नहीं है। हमारा BJP में हमेशा बांटा में डिस्कशन में हमेशा आगे जो भी कदम लेना डिस्कशन हुआ जाता है। तो इसीलिए जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खोकम साहब ने जो भी काम किया ये पार्टी का खिलाफ है और पार्टी का जो अनुशासन का खिलाफ है, इसलिए पार्टी कड़ी नज़र लेके उसको एक्सपेल किया गया है। अभी उसका कोई पार्टी निर्णय लेने का कोई उसका क्षमता नहीं रहता है। ये हम लोग का पार्टी का विचार है। इस प्रेस वार्ता में यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो
जो आपको जो पर्टिकुलर करा देती डिस्ट्रिक्ट से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा हो रहा है कि दो दो ग्रुप्स निकल रहे हैं बीजेपी के, तो सर ये कैसा ऐसा हो रहा है? नहीं, ये चुनाव का माहौल है, कोई कार्यकर्ता ग्रुप बना के कहीं में करता है वो अलग बात है, ये अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या रहेगा? मैं हम लोग का मैसेज ये रहेगा क्या एग्जैक्ट एक्शन आपको क्या फिर जो ऐसे पार्टी के अगेंस्ट ना उसका जो भी पार्टी का अगेंस्ट में जाएगा उसका अनुशासन कानून तो लिया जाएगा, उसमें स्ट्रिक्ट अनुशासन दिया जाएगा, जैसे कोई भी कार्यकर्ता इसी तरह का करता है पार्टी का खिलाफ पार्टी का डिसीजन जाएगा। ये हमारा संविधान बोलता है, हमारा स्टेट डिसिप्लिनरी कमिटी है उसको पार्टी रिकमेंड करेगा, उसी मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।